मम्मी जब वो गवार टीवी को चिपक के बैठी थी तब कांगड़ी वहां आई और उसने अपनी सारी बड़ास गवार पे निकाल दी। अरे वाह मजा आ भी गई। वो गवार तो डांट खाने लायक ही है। मम्मी जिस समय गोपी को डांट पड़ रही थी उस समय मैं तो गदगद हुई जा रही थी। वो कांगड़ी तो एकदम बौखला गई थी। हाँ मम्मी आपको पता है अभी भी घर में बहुत बहुत टेंशन चल रही है। होनी चाहिए, घर की दिकरी नहीं तो ये गुल खिलाए हैं तो घर वालों की आंख तो झुकेंगी ही ना। मम्मी लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ कैसे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह कांगड़ी और अहम जीजू दोनों को ही अपने घर के थाने में पेशी डलवा दी। मैंने कहा ना गोपी वो मुझे खाना नहीं खाना है। माँ जी आज सारे दिन आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सच में नहीं पता था कि केबल कटवा दिया गया है, वरना मैं वापस लगवाती ही नहीं, और यहाँ तक कि राशि भी इनको भी नहीं पता। अब देखना गोपी परसों के टेस्ट में पक्का फेल होगा। अरे वाह यहाँ गोपी फेल हुई नहीं कि वहाँ अहम जीजू के नजरों में भी वो पक्का गिर जाएगी। मम्मी आप देखना गोपी पढ़ी लिखी मेम साहब ना कभी भी नहीं बन पाएगी, वो गवार है और गवार ही रहेगी। अरे अंधे को और क्या चाहिए, दो आंखें। तू तो खुश हो जा। समझ तेरी तो मनोकामना ही पूरी। हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। राशि दिखरा पोता ना मगजमा एक बात बराबर घुसाड़ी दे जे कि परसों के दिवस वो गवार परीक्षा में जा ही ना पाए। ओह तो शॉप अब तक खुली है। वैसे धवल जी ये नया सिलसिला क्यों? मेरा मतलब है कि तो आपके शॉप बंद करने का वक्त है ना। वो किंजल जी आज से दुकान देर तक ही खुली रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं इसलिए। वो किंजल जी मेरे समझ में थोड़ा देर से आया पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर की सारी परेशानियों की जड़ ना ये पैसे ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए ताकि घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, इसलिए दुकान देर तक खुली। सच? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप 24 घंटे भी ये दुकान खोल के रखेंगे ना धवल जी तब भी आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। गोपी वहु तुम पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करोगी। जी माँ जी। और तुम राशि घर का सारा काम देखोगी। इससे सबसे पहले रसोड़े में जाओ और खाने की तैयारी शुरू कर दो। गोपी वहु तुमसे एक बात कहनी थी। गोपी वहु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर नहीं कुछ किया है। दरअसल कल रात को मैं ही काफी परेशानी में थी और माजी। ठीक है अब तुम जाओ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ।